पंचायत में भी हमने 2-3 पॉइंट्स उसके अनाउंस किए हैं। देखिए, अगर मुसलमान इस देश के अकलमंदी से काम नहीं लेंगे तो हमारा अंबेडकरवादी मिशन कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि नफरत सारी मुसलमानों के नाम पे पैदा की जाती है। दोष नहीं है उनका कोई वैसे, लेकिन उनको बहाना, उनको रास्ता मिला हुआ है तो वो उनके हाथ हथियार लग गया है। तो हमने मुस्लिम महापंचायतों में ये एजेंडा रखा है, हम चाहते हैं कि यहां भी आप सब लोग, विद्वान लोग उसको कंसिडर करें। पहला, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, काशीराम साहब ने आम आदमी की भाषा में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार सबको देके ये तय किया था, नौकरियों में जिसकी जितनी संख्या भारी, सिर्फ नौकरियों में नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं है, जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। जो कुछ संपदा है उसमें सबका, हर एक भारत का नागरिक बराबर का हिस्सेदार है, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी में ही नहीं, जज साहब बैठे हैं हमारे, जुडिशरी में ही नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, असेंबलीज में नहीं, दूसरी इलेक्टेड बॉडीज में नहीं, बिजनेस में, ये शेयर मार्केट चल रही है ना, उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी। ये अडानी अंबानी जो कंपनी चला रहे हैं उसमें भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी, जमीन में हिस्सेदारी बराबर की, सब चीजों में बराबर की हिस्सेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। तो पहली डिमांड जो हमने वहां से रखी है वो ये रखी है कि 100% रिजर्वेशन इन एवरीथिंग, जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक जिस पॉलिटिकल पार्टी का यह एजेंडा होगा हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार। दूसरा, हमारे जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और विमेन के जो कमीशंस हैं उसको जुडिशियल पावर्स और उसकी सिलेक्शन वैसे होगी जैसे सीबीसी होता है, ऑपोजिशन का मेंबर भी होगा उसमें, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा सरकार का भी नुमाइंदा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की जितनी कमीशन हैं, महिलाओं की जो कमीशन है उसको जुडिशियल यानी कि न्यायिक पावर्स मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी कमीशन अपनी कलम से संविधान में लिख के उनको सुप्रीम कोर्ट के बराबर बनाया था, यह हमारी व्यवस्था ने उसको डाइल्यूट किया, उसको वापस लेने का काम कर रहा। तीसरा, जितने भी हमारे बेनेवोलेंट यानी के हमारी हितों की रक्षा करने के लिए कानून है, एससी एसटी एक्ट, वक्फ एक्ट, एससी एसटी सब प्लान जिसमें हर एक बजट में कहीं का भी होगा एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए बजट के, बजट में उनकी संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन होगी बजट, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून ऐसा बनाया जाएगा। और इस तरह के जल जंगल जमीन के जितने भी कानून है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए जिनसे उनके हकों की रक्षा होती है उसका उल्लंघन करने वाले अफसर के खिलाफ 7 साल से मिनिमम सजा। ये तीसरा और चौथा आखिरी ये है कि संविधान की जो पार्ट 3 है, और ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने देने वाले अफसरों के खिलाफ भी कम से कम 7 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए हर एक नागरिक के लिए। इसमें यह नहीं कि मुसलमानों के लिए होना चाहिए, इसके लिए जो हमारे सो कॉल्ड 12% वाले भी हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर कोई अधिकार वायलेट होता है संविधान का और कानून का तो उनके लिए भी यही प्रावधान रहेगा। यह अंबेडकरवादियों का मन है, ये अंबेडकरवादियों की सोल है, ये हमारी आत्मा है कि सबको बराबरी का हिस्सा। हम दरवाजा खटखटा के 12% का हक उनके दरवाजे पे रख के आएंगे जब हमारी सत्ताएं आएंगी, दरवाजा खटखटा के, हम अन्याय नहीं करेंगे। मुझे बस आप लोगों से यही कहना था, मेरा समय भी मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की एकता में ही जीत है और हर चीज में ताकत हर चीज से आती है, बिजनेस से भी आती है, जज बन के भी आती है। अगर आप दूसरा कोई काम करते हैं ताकत हर चीज से आती है, सिर्फ नेता बनने से ही ताकत नहीं आती, एमपी एमएलए बनने से ताकत नहीं आती है। अडानी जी आज मोदी जी को चला रहे हैं तो समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि एमपी एमएलए पीएम बनने से ही ताकत आ रही है, हर काम अडानी जी से पूछ के करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, तो यह भी ध्यान से सोच लीजिए हर एक का अलग अलग रोल है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।